नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल गौतम ऑनलाइन स्टडी में। तो लेटेस्ट अपडेट आया आपका 21 अगस्त का, जिसमें कि आप KMPPSC की नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी बताई गई है। बहुत से लोगों ने जानकारी देख ली होगी, जिन्होंने जानकारी नहीं देखी उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, एक शॉर्ट वीडियो, जिससे कि सभी को जानकारी मिल जाए और आप सभी अपनी राय जरूर दें, क्या ये सही हो सकता है जो आपके न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है और शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के उद्देश्य से बनाया जा रहा है नोटिफिकेशन के जो इन्फॉर्मेशन को लेके। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन के बारे में जो बात की गई है आपके लेट लतीफ़ी। तो शेड्यूल के मुताबिक जनवरी में आना था नोटिफिकेशन, 8 माह बाद भी नहीं आया है। अब PSC क्या बोला इसमें कि 7 महीने से है परीक्षा का इंतजार, चेयरमैन बोले दिसंबर तक निकालेंगे विज्ञापन। अब क्या बोला गया है, दिसंबर तक विज्ञापन निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा जो परीक्षा 2019 का विज्ञापन जनवरी तक आ जाना था, लेकिन 7 माह बाद भी नहीं आ सका। लाखों अभ्यर्थी परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं और आयोग के शेड्यूल के मुताबिक जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाना था, अप्रैल में प्री होता, जुलाई में मेंस होता, नवंबर तक इंटरव्यू हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब PSC के चेयरमैन डॉक्टर भास्कर चौबे का कहना है कि 0 ईयर नहीं जाने देंगे, दिसंबर तक विज्ञापन निकाल देंगे। वहीं जो लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे इस बात से डरे हैं कि कहीं पिछली कांग्रेस सरकार के समय जैसे PSC परीक्षा पर रोक सी लग गई थी, वैसा तो नहीं होगा। हालांकि चेयरमैन के जो दिलासे से अभ्यर्थियों में उम्मीद जरूर बधी है और आपकी आचार संहिता आर्थिक आधार पर आरक्षण के कारण भी हुई देरी, तो 0 ईयर नहीं होने देंगे, यानी कि ऐसा ईयर नहीं जाएगा कि आपकी वैकेंसी ही नहीं आए। तो चेयरमैन चौबे ने कहा कि पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता, फिर इसके बाद स्वर्णों के लिए लागू हुआ आरक्षण, फिर OBC आरक्षण, अब रोस्टर में बदलाव करके विभाग जल्द से जल्द हमें डिमांड भेज देंगे और जानकारी आने के बाद हम परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देंगे। तो सरकार से भी बात चल रही है, पदों की डिमांड देरी से आई तो हम विज्ञापन निकाल देंगे, जिससे 0 ईयर घोषित नहीं होगा। वहीं उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में भी कहा कि पदों की रिवाइज लिस्ट निकाली है और कोर्ट के कुछ आदेश थे। ठीक है, अब MPPSC का जो मॉडल है अन्य राज्य भी अपनाते हैं। तो PSC चेयरमैन ने कहा कि हमारा सिस्टम अच्छा है, इसमें पारदर्शिता है, दूसरे राज्य भी हमसे मदद लेते हैं और 2012 के परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि परीक्षा निरस्त हुई थी तो वो माना, हालांकि उस समय पेपर लीक नहीं था। ठीक है, तो ये आज के इस न्यूज पेपर में बताया गया है। साथ ही एक आपको छोटा सा नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन आयोग का भी है, जिसमें कि 1,353 पदों के लिए भर्ती 31 अगस्त तक कर सकते हैं आप आवेदन। इसके लिए हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, तो आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इससे। ठीक है, क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है आपका, सॉरी, MPPSC के नोटिफिकेशन से लेकर जानकारी के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी जानकारी आपको हम समय समय पर प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।